तो अब हम लोग देख लेते हैं रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कभी भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो हमको ऑलवेज अपराइट इमेज ही मिलता है, कभी भी इन्वर्टेड इमेज नहीं मिलता है। तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, और वर्चुअल भी है। क्यों? क्योंकि मिरर के सामने जब भी हम खड़े होते हैं तो हमारा जो इमेज होता है वो मिरर का कहाँ बनता है, मिरर के सरफेस के पीछे होता है वो इमेज। तो ऑलवेज ये मिरर के पीछे होता है, और अगर हम पीछे कोई स्क्रीन रख के उस इमेज को कास्ट करने की कोशिश करें तो उसके अंदर हमको इमेज नहीं दिखती है, मतलब हम उस इमेज को कास्ट नहीं कर पाते हैं किसी स्क्रीन के ऊपर। तो इसीलिए वो वर्चुअल इमेज भी है। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर इमेज का साइज देखें, जो कि अगर एच है, और ऑब्जेक्ट का साइज मानो अगर एच डैश है, तो ये दोनों जो है सेम होंगी। तो साइज ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन डिस्टेंस ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मिरर से हम जितना दूर खड़े होंगे इमेज भी मिरर से उतना ही पीछे नजर आएगा। तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और जो इमेज डिस्टेंस है वो दोनों सेम होंगे। उसके बाद है लैटरली इन्वर्टेड, ये होता है लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। जैसा कि हम लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये कैरेक्टर ने अपना हाथ राइट हैंड जो है पॉकेट में डाल रखा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें इमेज के अंदर तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि कैरेक्टर ने अपना लेफ्ट हैंड पॉकेट में डाल रखा है। तो यही होता है लैटरल इन्वर्जन के अंदर। तो इसीलिए ये जो एम्बुलेंस लिखा होता है गाड़ियों के ऊपर वो क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड लिखा होता है। तो अगर उसको हम अपने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखें वो हमको सीधा दिखाई पड़ेगा, और हम इजीली देख पाएंगे कि पीछे एक एम्बुलेंस है और हमको रास्ता देना है।